मछली पालक किसान भाई और बहनों, नमस्कार ज्वार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि मछली की मांग देश में लगातार बढ़ रही है और जो किसान अपने तालाब या जलाशय में मछली पालन कर रहे हैं वे इसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। परंतु कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ तालाब के रहते हुए भी जानकारी के अभाव में किसान उनका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं और अधिक मछली के उत्पादन और उससे होने वाले आर्थिक लाभ से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मछली पालन में तालाब में पर्याप्त पानी के रहने के अतिरिक्त उन्नत किस्म के बीज और उनको नियमित रूप से भोजन देने की आवश्यकता होती है जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कम समय में अधिक मछली उत्पादन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके तालाब में माह मार्च, अप्रैल या मई में पर्याप्त पानी है तो आप आसपास के बीज विक्रेताओं से संपर्क करें और यदि उनके पास पिछले साल का बीज उपलब्ध हो तो उनका संचयन करें। पिछले साल का बीज, क्योंकि जून या जुलाई में प्रजनन का बीज होगा तो आकार में थोड़ा बड़ा हो गया होगा, हो सकता है कि एक किलो में 10, 20 या 40 पीस ही आए। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस बीज का उम्र 9 से 10 माह हो चुका है। चूँकि उसे कम स्थान में और अधिक संख्या में रखा गया इसलिए उसका आकार नहीं बढ़ पाया। अब जब वह मछली आपके तालाब में जाएगा तो वहाँ उसे तैरने के लिए पूरा स्थान मिलेगा और भरपूर खाना मिलेगा जिससे उसकी वृद्धि तेज़ी से होगी और संभव है कि 6 माह के ही अंदर वह 1.5 किलो से ऊपर की हो जाए। तो जो भी अनुभवी किसान है वे जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि आसपास के किस बीज विक्रेता के पास पिछले साल का बीज उपलब्ध है और वे उनका संचयन करने का प्रयास करते हैं। यदि आसपास कोई बीज विक्रेता नहीं है तो आप पता लगाएं कि आसपास में मौसमी तालाब किन के पास है, क्योंकि मौसमी तालाब जनवरी, फरवरी, मार्च से सूखना चालू हो जाता है और किसान को मछली का क्या करे यह समस्या हो जाती है। आप यदि ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च में बाज़ार में छोटी मछलियों को आप बिकते हुए देखेंगे जिन्हें यदि तालाब में छोड़ दिया जाए तो उनकी अच्छी वृद्धि होगी, परंतु पानी के अभाव में उनकी बिक्री करनी पड़ती है जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। आपको यदि ऐसे तालाबों का पता लगे जो सूख रहे हैं तो आप उनके किसान से संपर्क करके उनकी मछली लेकर अपने तालाब में संचय कर सकते हैं। मेरी जानकारी में कई बड़े तालाबों के किसान भाई ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पर बीज नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल से, नईहाटी या पुरुलिया से पिछले साल का बीज मंगाकर अपने तालाब में डालते हैं और भरपूर भोजन देने के साथ साथ पानी के सभी मानकों जैसे कि ऑक्सीजन, पीएच, अमोनिया, प्लवकों की मात्रा इत्यादि का पूरा ध्यान रखते हैं। इससे उन्हें मात्र 6 माह के पालन अवधि में या कल्चर पीरियड में ही बेचने लायक मछलियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आंध्र प्रदेश के किसान भी इसी तकनीक को अपनाकर साल में 2 फसल लेते हैं। इसलिए सदाबहार तालाबों के किसान अपने राज्य और देश के मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए यदि अपने तालाब में पिछले साल का बीज का पता लगाकर उसका संचयन करेंगे तो उन्हें अधिक लाभ होगा और कम समय में ही बेचने लायक मछलियाँ प्राप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि इसमें लाभ भी अधिक है और तालाब से जो उत्पादन होता है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस संबंध में और कोई जानकारी लेना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं प्रयास करूँगा उनका उत्तर देने का। और भाई और बहनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।